हाय फ्रेंड्स, दिस ये ब्रिजेश सिंह। चलिए आज आपको मैं सिखाता हूँ हायर परचेस में इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। कैश प्राइस ऑफ द एसेट इज 80,000, मींस अगर वो एसेट्स हम लोग ऑन कैश में खरीदते हैं डायरेक्ट 80,000 का मिलेगा। डाउन पेमेंट स्टार्टिंग में आपको पे करना पड़ेगा 21,622। 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 15,400 रुपए का। The first start at the end of the 12 month from the down payment. DP means down payment. The rate of the interest charge करेंगे 10% per annum. Calculate the total interest. दिखाई दे रहा आपको क्या निकालना, total interest and interest included in the installment. क्योंकि देखो 5 installment आप हमारा देने वाले हो तो उसके अंदर interest कितना है। ओके, इंटरेस्ट रेट दिया लेकिन आपको टोटल इंटरेस्ट बताना है इसमें और इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो ध्यान देना कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सॉल्यूशन, लिखेंगे कैश प्राइस, शुरू करेंगे कैश प्राइस से। तो कैश प्राइस दिया है एसेट्स का 80,000 दिया है, वो लिख देने का कैश प्राइस ऑफ द एसेट इज 80,000। ठीक है ना, उसमें से क्या कर देना, कैश प्राइस 80,000 है उसमें से डाउन पेमेंट लेस कर देना पहले। कैश प्राइस 80,000 लेस डाउन पेमेंट 21,622 लेस कर देंगे तो जो एक आंसर आएगा 80,000 माइनस 21,622 आंसर आता है 58,378 आएगा। ठीक है, अब क्या रहेगा, यही आप देने वाले ना 5 इंस्टॉलमेंट में उनका पैसा। कैश प्राइस 80,000, डाउन पेमेंट आपने दे दिया, इतना पैसा किसी को देना बाकी है। तुम एक साल के बाद दे रहे हो उसका पैसा 12 महीने के बाद, तो सामने वाला इंटरेस्ट चार्ज करेगा कितना परसेंट, 10% चार्ज करेगा इस रकम के ऊपर। तो अब क्या करने का, इसमें ऐड करेंगे एड इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे 58,378 के ऊपर 10%। तो इसका 10% आंसर 5838 राउंड ऑफ किया हूं मैं टू द नियरेस्ट डिजिट, तो आंसर आएगा प्लस करेंगे तो 58,378 प्लस 5838 आंसर आता है 64,216। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टार्ट एट द एंड ऑफ द 12 मंथ, तो आ जाओ आप पहला इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो 31st दिसंबर 2019 को इंस्टॉलमेंट पे करोगे, तो इंस्टॉलमेंट अब लेस करने का, लेस इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट कितना लेस करेंगे वही 15,400। अब जो एक आंसर आएगा माइनस 15,400 एक आंसर आएगा उसको आंसर 48,816। अब क्या करने का, ये वाला स्टेप अपना रिपीट करते जाएं, ये वाला स्टेप आप रिपीट करते रहे। अब इसमें क्या करेंगे, सेकेंड ईयर में आ गए, सेकेंड ईयर में पहला, सेकेंड ईयर में पूरा साल भर यूज हुआ रहेगा, हमें किसी को इतना पैसा देना है सेकेंड ईयर में, एक साल के बाद जब आप पे करोगे तो सामने वाला पहले इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट इस पे निकालने का 48,816 के ऊपर 10% आंसर 4882। अब एक आंसर आएगा 48,816 प्लस 4882 आंसर आता है 53,698 पहले इंटरेस्ट चार्ज करने का, बाद में इंस्टॉलमेंट आप दोगे उसी दिन, तो 31st दिसंबर 2020 को आप इंस्टॉलमेंट पे करने वाले हो, इंस्टॉलमेंट पे करने वाले हो 15,400 का, 5 इंस्टॉलमेंट आप देने वाले, ये मेरा सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। अब जो बैलेंस आएगा तो 53,698 माइनस 15,400, अब बैलेंस आएगा 38,298। सेकेंड ईयर हो गया, अब हम थर्ड ईयर में, देखो रिपीट किया मैंने सेकेंड ईयर का, अब थर्ड ईयर का पहला क्या चार्ज करेंगे, थर्ड ईयर का पहला भी इंटरेस्ट चार्ज करोगे, इंटरेस्ट इस पे 10% चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, तो इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट चार्ज करो तो आंसर 3830। अब एक आंसर आएगा, आंसर आता है 42128। ये आंसर मैं अभी
इंटरेस्ट ऐड करने का, इंस्टॉलमेंट लेस करने का, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, अभी क्या लेस करेंगे, इंस्टॉलमेंट लेस करेंगे। ये इंस्टॉलमेंट कौन साल का याद आ रहा है, ये थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे, 31 दिसंबर 2021 का इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं अपन, तो कितना पे करेंगे 15,400। अब आएगा बैलेंस, तो माइनस 15,400, अब बैलेंस आएगा 26,728। अब हम लोग फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो एड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 26,000, इसका 10% निकालेंगे तो 2672 आएगा, 26,728 माइनस 2672 आंसर आएगा 24,000 26,728 + 2672 आंसर आएगा 29,400 15,400 -15,400 अब आंसर आया 14,000। ये मेरा फोर्थ ईयर का आ गया, 31 दिसंबर 2022 का आ गया। अब लास्ट ईयर फिफ्थ ईयर एड इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 14,000 के ऊपर 10% 1400 और लास्ट में आप जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 15,400 31 दिसंबर या इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। कितना पे करेंगे 15,400, लास्ट में आंसर आएगा निल, लास्ट में आंसर आएगा निल। तो एसबिंग समझा कैसे किया, तो सबसे पहले क्या चार्ज करने के, हमेशा यदि वो सॉल्व करते हैं आंसर नील हो गया, तो सबसे पहले वापस रीड करता हूं, 80,000 में से डाउन पेमेंट निकाल दो, फिर जो बैलेंस बचेगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज करो, फिर इंस्टॉलमेंट पे करो, इंटरेस्ट चार्ज करो, इंस्टॉलमेंट पे करो, इंटरेस्ट चार्ज करो, इंस्टॉलमेंट पे करो, ऐसे करते जाओगे आंसर नील हो जाएगा। 5 ईयर से हमने पे कर दिया। अब क्वेश्चन में बोला था कैलकुलेट द इंटरेस्ट, क्वेश्चन में बोला था कैलकुलेट द इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इंक्लूडिंग द इंस्टॉलमेंट, तो देयरफॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, कितना इंक्लूड है इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंस्टॉलमेंट, तो याद करो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना निकाले थे, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाले थे 58,538, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाले थे, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाले थे हमने 4882, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकाले थे हमने 3830, फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट निकाले थे हमने 2672, फिफ्थ ईयर का इंटरेस्ट निकाले थे हमने 1400, सबको प्लस करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 5838 + 4882 + 3830 + 2672 + 1400, तो टोटल इंटरेस्ट आता है 18622। ऐसे समझा कैसे किए, कैश प्राइस 80,000, डाउन पेमेंट दिया था 5 इंस्टॉलमेंट में पैसे देने वाले थे, हर 12-12 महीने का पे करने वाले, इंटरेस्ट 12% चार्ज करेंगे, तो इंटरेस्ट कैसे निकालने का, हर इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट है, हर इंस्टॉलमेंट के अंदर इस तरीके से करें, ठीक है, ऐसे समझ में आए, थैंक यू, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बाय बाय।